मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मसाज मशीन के बारे में बताने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का घंटा दबा दीजिए। तो ये मशीन जो है, देखिए ये कंपनी का, ये इसका प्रोडक्ट है थ्राइव। ये मेक ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट पल्स 13 अटैचमेंट्स, देख सकते हैं अच्छे क्वालिटी का ये बॉडी मसाज मशीन है। चलिए इसमें जो है पावर इनपुट दे रहे हैं। यहाँ से जो है पावर इनपुट दे रहे हैं इसमें, और देखिए ये जो है ऑन कर लेते हैं इसको। इससे जो है बॉडी मसाज कर सकते हैं, फेस मसाज कर सकते हैं। देखिए ये ऑन हो रहा है, बस थोड़ा सा इसमें जो है बट गड़बड़ी है, कभी ये ऑन होता है कभी ऑन नहीं होता है, तो यही रिपेयरिंग में आया हुआ है। देखिए अभी जो है नहीं हुआ, ये वायर हिलाने पे ये जो है ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ से स्विच दे रखे हैं और ये ऑन हो जाएगा। देखिए ये ऑन हो गया है, कभी कभी ये छोड़ देता है, नहीं ऑन होता है, वाइब्रेट करना चालू कर दिया है। ये बॉडी मसाज मशीन है, ये देखिए इस तरह से बॉडी को मसाज कर सकते हैं। ये मशीन सैलून वाला भी रखता है और डॉक्टरों के पास भी देखने को मिलता है ये मशीन। ये बॉडी मसाज करने वाला मशीन है और इससे फेस भी मसाज कर सकते हैं। जो लोग बीमारी आदमी है उसके लिए ये मशीन है, ठीक है। इससे जो है दर्द जो है दूर कर सकते हैं मसाज करके, थोड़ा थोड़ा देख ही सकते हैं। ये जो है वाइब्रेट करता है, देखिए ये भी अभी बंद कर दिया है, तो इसमें जो है वायर में दिक्कत है, कभी छोड़ देता है कभी ले लेता है। अभी देखिए ऑन नहीं हुआ, इसका वायर जो हिलाएंगे तभी ये जाएगा ऑन हो जाएगा। तो ये मशीन को चलिए ओपन करके भी दिखाएंगे। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, देख ही सकते हैं, और यहाँ पे स्विचिंग है, स्विच दिया हुआ है, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं, तो वीडियो जो है हमारा लॉन्ग रहेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे रिपेयरिंग किया जाता है ये मशीन को, जान लेते हैं क्या क्या फॉल्ट आता है। तो सभी स्क्रू को ओपन कर लिए हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यही जो है वाइब्रेट करता है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो हमारा जो है लॉन्ग रहेगा। ये स्विचिंग है, देख ही सकते हैं, और ये जो है ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है। ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है, यही जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। और ये स्विच लगा हुआ है, देख ही सकते हैं, ये रोटरी ये स्विच है, देख ही सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके ये जो है अप डाउन होने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। ये ट्रांसफार्मर है, देखिए डायरेक्ट 220 वोल्ट यहाँ पे आता है। तो चलिए एक बार पावर ऑन कर लेते हैं, ये इनपुट लाइन दे रहे हैं। तो इसका ये ऑन नहीं हुआ, यहाँ से पावर इनपुट दे रखे हैं, इसका वायर भी जो है गड़बड़ है। देखिए ये जो है रिपेयरिंग करने के लिए आया हुआ था, ये ऑन नहीं हो रहा है स्विचिंग देने पे भी, तो इसका वायर जो है ख़राब हो गया है। कभी कभी ये जो है ऑन हो जाता है, तो कभी कभी ये जो ऑन हो जाता है और कभी कभी ऑन नहीं होता है। तो देखिए अभी जो है ऑन हो गया है, अभी वाइब्रेट करना शुरू कर दिया गया है। देखिए अभी वाइब्रेटिंग भी कर रहा है, देख ही सकते हैं, देखिए देखिए वाइब्रेटिंग कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न कर रहा है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है, और इसका जो है ज़्यादातर स्विच में फॉल्ट आता है, ये स्विच में फॉल्ट आता है और ये वायर में फॉल्ट आता है। इसमें जो है बहुत कम ही फॉल्ट आता है, तो
पहले इसको जो है ओपन, देखिए जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह से इसको कस लेते हैं हम। इसका वायर जो है बाद में चेंज कर लेंगे। तो इसको पूरा तरह से फिटिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं। एक बार फिर से ऑन कर लेते हैं। देखिए ये वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, कभी कभी ये जो रुक जाता है। इस तरह से बॉडी को मसाज कर सकते हैं। तो आप ये जो है किस तरह से रिपेयर होता है देख ही सकते हैं। तो इसको रिपेयरिंग जब ख़राब हो सकता है तो रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसका ज़्यादातर स्विच में ही फॉल्ट रहता है। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कोई तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग।